सो हे गाइस, आई होप आपने पार्ट वन देखा होगा। तो भाई ये पार्ट टू, वो तो भाई सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो बेटा अब है, अब देखना क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि लिया है मैं लैपटॉप, मैंने पहले चार्जिंग पे लगा दिया था क्योंकि मुझे पता था एक घंटे की स्ट्रीम होगी। तो भाई 5:20 हो रखे, अब चेकआउट करते हैं कितने लोग बैठे हैं। तो भाई अभी लॉगिन करके देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। अपकमिंग है यार, नोटिफाई कर रखा मैंने। ओके देखो, ओए होए कितने भाई, 1 मिलियन कुछ। ओए होए 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 ये। तो भाई 1 मिलियन बंदे देख रहे हैं अभी, बल्कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो सोचो स्टार्ट होगा तो कितने बंदे देखेंगे। तो भाई अभी मूड बनाने के लिए थोड़ा यार एकदम जज्बा होना चाहिए। मैंने फ्रेंच फ्राइज मंगाए हैं। स्टार्ट हो चुका है, यो लेट्स गो। भाई मैं जो वीडियो है ना वो ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आने के बहुत चांसेस है, कॉपीराइट आ ही जाएगा क्योंकि ना ये सबको अलाउ नहीं करते इसरो वाले। तो अगर मैं क्लिप डाल दूंगा ना मतलब 5 या 6 सेकंड से ज़्यादा की, तो ये कॉपीराइट डाल देंगे। तो मैं ऐसी अपडेट देता रहूँगा। ऐसे मम्मी की अभी कुछ टिप नहीं है, वो सुनना ठीक है। बहुत बढ़िया बात बोली है, मेडल मिलना चाहिए इसरो की तरफ से। बोलो आप क्या कह रही थी भाई। मुझे तो लग रहा है ये जो मौसम ख़राब हो रहा है ना, ये चंद्रयान की वजह से हो रहा है। अच्छा मतलब चंद्रयान बीच में आ गया, चांद और हमारे उससे हमारे बीच में आ गया। अच्छा ये सारा ये हो रहा है ना। अच्छा तुमने सुन ही लिया होगा। तो भाई मम्मी का ये कहना है कि जो ये बारिश हो रही है ना यहाँ पे और अंधेरा छाया हुआ है, वो इसलिए छाया हुआ है क्योंकि वो जो गया था ना स्पेस जो क्राफ्ट गया था अपना चंद्रयान, तो उसने ब्लॉक कर दिया है चांद को और धरती को। मेरे को मतलब भाई आइंस्टाइन भी अवार्ड देगा मम्मी को, मोदी मोदी सबसे भाई अवार्ड दिलवाऊंगा इसरो से भी। क्योंकि मम्मी का ये कहना है कि वो जो उसका साइज था ना वो इतना बड़ा था, वो चांद से भी बड़ा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चंद्रयान लैंडिंग नहीं कर रहा मून पे, मून लैंडिंग कर रहा है चंद्रयान पे। ख़त्म है भाई, अखबार लगवा रखा है, फिर ये हाल है। कल से अखबार वाले भाई, अगर अखबार वाला जो ये वीडियो देख रहा है कल से अखबार मत फेंक के जाइए भाई घर के बाहर। मैं अपनी ये मूर्ति ठीक है, मैं अपनी टेबल के यहाँ रखता हूँ, ये हनुमान जी की मूर्ति ठीक है। आज मैं पहली बार ये भाई लैपटॉप के ऊपर रखूँगा क्योंकि ये सपोर्ट करते रहे भाई, साथ होंगे तो सब कुछ मुमकिन है। इसलिए जय श्री राम। वॉचिंग गैस करो कितने की वॉचिंग आ रही होगी भाई। इसरो को आ रही है 4.5 मिलियन की वॉचिंग, मतलब 45 लाख लोग जुड़ चुके हैं भाई साहब। मजाक नहीं है भाई, ये 45 लाख लोग वेट कर रहे थे मतलब इस चीज़ का। पिछली बार से भी ज़्यादा वॉचिंग है क्योंकि यार पिछली बार फेल हो गया था, तो लोगों ने काफ़ी वीडियो देखी थी इसमें यार अपने चेयरमैन जो थे वो सारे जो करते हैं वो रो रहे थे। तो भाई इसलिए सब सपोर्ट करने आए हैं इनको भाई। एक दुआ ही होती है भाई, जो बंदे को जो होता है ना 1% भी रहता था वो भी भाई दुआ पूरा कर देते। सारे लोग अपनी अपनी दुआओं के साथ आया कि भाई इस बार होना चाहिए भाई, और होना चाहिए। इतने लोगों को बता रहे हैं इतने हम खाएंगे फ्रेंच फ्राइज। तो अभी ये बता रहे हैं कि 30 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाते ऐसे क्योंकि ये सर्कल में घूमता है सब कुछ ठीक है ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये 30 किलोमीटर से ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद ऐसे लैंडिंग करेगा। ये समझ आ गया होगा जैसे आपको। आपको क्या लगता है कि ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल होएगा या फेल होएगा? क्यों होगा, मैंने कह दिया पूरा होगा तो पूरा होगा क्योंकि एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अभी जो मोदी जी है वो करंटली इंडिया में नहीं है, लेकिन वो साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं क्योंकि वहाँ किसी काम के लिए गए होंगे। तो भाई अभी यही है भाई, दिल थाम के बैठो क्योंकि अभी वो 6 बजने वाले हैं, 5:50 का टाइम हो रहा है। तो अभी देखते हैं भाई क्या होने वाला है भाई। सिर्फ 3 किलोमीटर रह चुके,
तो भाई सक्सेसफुली लैंडर लैंडिंग कर चुका है मून पर भाई, लोगों की खुशियां देखते तो मैंने थोड़ी सी क्लिप डाली है भाई उसमें ना, लगा लो पिछली बार रोते चेहरे थे तो अब वही चेहरे हंसते हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है भाई, अपनी हार कभी नहीं माननी चाहिए। और अभी ना ये कमेंट्री जो कर रहा था उसने एक अच्छी बात बोली थी, मेरे को अच्छी लगी, कि पहले बोलते चंदा मामा दूर के लेकिन अब बोलते चंदा मामा घर के भाई, क्योंकि लैंडिंग होगी यार अपना ही चंद्रमा है भाई। प्लॉट प्लॉट करने हैं तो भाई प्लॉट काटने होंगे तो मेरे को बुला लेना, सारे प्लॉट काटेंगे, एक एक जगह सारे रहेंगे।